साहित्यकृती या ठिकाणी आपण भेट दिलेली आहे. त्याचबरोबर अभिजात मराठीच्या आजच्या या दिवसाचं सन्मानचिन्हही आपण माननीय पंतप्रधान महोदयांच्या हाती सुपूर्द केलेलं आहे. सर्व मान्यवरांना मी आसनस्थ होण्याची विनंती करते. आणि ज्यांनी हा निर्णय आपल्यासाठी साकार केला आणि ज्यांचं वक्तृत्व ऐकायला आपण कायमच उत्सुक असतो, देशाचे आदरणीय पंतप्रधान नरेंद्रजी मोदी साहेब यांना विनंती करते की या प्रसंगी सभेला संबोधित करावं. महाराष्ट्र के गवर्नर श्री पी राधाकृष्णन जी, मुख्यमंत्री श्रीमान एकनाथ शिंदे जी, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी, अजित पवार जी, केंद्र में मेरे सभी सहयोगी, कई पीढ़ियों पर अपनी गायकी की छाप छोड़ने वाली आशाताई जी, जाने मेरे अभिनेता भाई सचिन जी, नामदेव कांबले जी, सदानंद मौर्य जी, महाराष्ट्र सरकार के मंत्री भाई दीपक जी, मंगल प्रभात लोढ़ा जी, बीजेपी मुंबई के अध्यक्ष भाई आशीष जी, अन्य महानुभाव भाई और बहनों, अगदी सुरुवातीस महाराष्ट्रातील, महाराष्ट्राबाहेरील आणि सर्व जगातील मराठी भाषक मंडळीचे मराठी भाषेला अभिजात भाषा म्हणजे क्लासिकल लँग्वेजचा दर्जा मिळाल्याबद्दल अतिशय मनापासून अभिनंदन करतो. केंद्र सरकार द्वारा मराठी भाषा को अभिजात भाषा का दर्जा दिया गया है. आज मराठी भाषा के इतिहास का स्वर्णिम अवसर है और मौर्य जी ने बहुत बढ़िया तरीके से इसको समिगप किया. इस निर्णय का, इस पल का महाराष्ट्र के लोगों को, मराठी बोलने वाले हर व्यक्ति को दशकों से इंतजार था. मुझे खुशी है कि महाराष्ट्र का ये सपना पूरा करने में कुछ करने का सौभाग्य मुझे मिला. आज खुशी के इस पल को साझा करने के लिए मैं आप सबके बीच हूं. मराठी के साथ बंगाली, पाली, प्राकृत और असमिया भाषाओं को भी क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया है. मैं इन भाषाओं से जुड़े लोगों को भी बधाई देता हूं. साथियों, मराठी भाषा का इतिहास बहुत समृद्ध रहा है. इस भाषा से ज्ञान की जो धाराएं निकली, उन्होंने कई पीढ़ियों का मार्गदर्शन किया है और वो आज भी हमें रास्ता दिखाती है. इसी भाषा से संत ज्ञानेश्वर ने वेदांत चर्चा से जन जन को जोड़ा. ज्ञानेश्वरी ने गीता के ज्ञान से भारत की आध्यात्मिक प्रज्ञा को पुनर्जागृत किया. इसी भाषा से संत नामदेव ने भक्ति मार्ग की चेतना को मजबूत किया. इसी तरह संत तुकाराम ने मराठी भाषा में धार्मिक जागरूकता का अभियान चलाया और संत चोखामेला ने सामाजिक परिवर्तन के आंदोलन को सशक्त किया. आज महाराष्ट्र आणि मराठी धर्म वाढविण्या थोर संतान मी साष्टांग दंडवत करतो. मराठी भाषेला हा दर्जा संपूर्ण देशाने छत्रपती शिवाजी महाराज यांना त्यांच्या राज्याभिषेकाच्या
350वे व्याप वर्षात केलेला मनाचा मुजरा आहे। साथियों, भारत के स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास मराठी भाषा के योगदान से समृद्ध होता है। महाराष्ट्र के कई क्रांतिकारी नेताओं और विचारकों ने लोगों को जागरूक और एकजुट करने के लिए मराठी भाषा को माध्यम बनाया। लोकमान्य तिलक ने मराठी समाचार पत्र केसरी के द्वारा विदेशी सत्ता की जड़ें हिला दी थी। मराठी में दिए गए अनेक भाषणों ने जन जन में स्वराज पाने की ललक जगा दी थी। मराठी भाषा ने न्याय और समानता की लड़ाई को आगे बढ़ाने में अहम योगदान दिया। गोपाल गणेश अगरकर ने अपने मराठी समाचार पत्र सुधारक द्वारा सामाजिक सुधारों के अभियान को घर घर तक पहुंचाया। स्वतंत्रता संग्राम को दिशा देने में गोपाल कृष्ण गोखले जी ने भी मराठी भाषा को माध्यम बनाया। साथियों, मराठी साहित्य भारत की वो अनमोल विरासत है जिसमें हमारी सभ्यता के विकास और सांस्कृतिक उत्कर्ष की गाथाएं सुरक्षित है। महाराष्ट्र में मराठी साहित्य के द्वारा ही स्वराज, स्वदेशी, स्वभाषा और स्वसंस्कृति की चेतना का विस्तार हुआ। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान शुरू हुए गणेश उत्सव और शिव जयंती के कार्यक्रम वीर सावरकर जैसे क्रांतिकारियों के विचार, बाबा साहब अंबेडकर का सामाजिक समता आंदोलन, महर्षि कर्वे का महिला सशक्तिकरण अभियान, महाराष्ट्र का औद्योगिकरण, कृषि सुधार के प्रयास, इन सब की प्राण शक्ति मराठी भाषा थी। हमारे देश की सांस्कृतिक विविधता मराठी भाषा से जुड़कर और समृद्ध हो जाती है। साथियों, भाषा सिर्फ बातचीत का माध्यम नहीं होती, भाषा का संस्कृति, इतिहास, परंपरा और साहित्य से गहरा जुड़ाव होता है। हम लोक गायन पोवाड़ा का उदाहरण ले सकते हैं। पोवाड़ा के माध्यम से छत्रपति शिवाजी महाराज और दूसरे नायकों की शौर्य गाथाएं कई सदियों के बाद भी हम तक पहुंची है। ये आज की पीढ़ी को मराठी भाषा की अद्भुत देन है। आज जब हम गणपति पूजा करते हैं तो हमारे मन में स्वाभाविक रूप से शब्द गूंजते हैं, गणपति बापा मोरिया। ये केवल कुछ शब्दों का जोड़ नहीं है बल्कि भक्ति का अनंत प्रवाह है। यही भक्ति पूरे देश को मराठी भाषा से जोड़ती है। इसी तरह श्री विठ्ठल के अभंग को सुनने वाले भी स्वतः मराठी से जुड़ जाते हैं। साथियों, मराठी भाषा को यह गौरव दिलाने के लिए मराठी साहित्यकारों, लेखकों, कवियों और असंख्य मराठी प्रेमियों ने लंबा प्रयास किया है। मराठी भाषा को क्लासिकल लैंग्वेज की मान्यता के रूप में कई प्रतिभाशाली साहित्यकारों की सेवा का प्रसाद मिला है। इसमें बाणसाती जांभेकर, महात्मा ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले, कृष्णाजी प्रभाकर खाडिलकर, केशव सूत, श्रीपाद महादेव माटे, आचार्य अत्रे, शांताबाई शेड़के, गजानन दिगंबर मार्गुलकर, कुसुमाग्र जैसी विभूतियों का योगदान अतुलनीय है। मराठी साहित्य की परंपरा केवल प्राचीन ही नहीं बल्कि बहुआयामी है।
विनोबा भावे, श्रीपाद अमृत डांगे, दुर्गाबाई भागवत, बाबा आमटे, दलित साहित्यकार दया पवार, बाबा साहब पुरंदरे जैसी कई हस्तियों ने मराठी साहित्य में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। मैं आज मराठी की सेवा करने वाले पुरुषोत्तम लक्ष्मण देशपांडे, पुला देशपांडे कहूं तब लोग समझते हैं, डॉक्टर अरुणा ढेरे, डॉक्टर सदानंद मोरे, महेश एलकुंचवार, साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता नामदेव कांबळे समेत सभी साहित्यकारों के योगदान को भी याद करूंगा। आशा बागे, विजया राजाध्यक्ष, डॉक्टर शरण कुमार लिंबाळे, नाट्य निर्देशक चंद्रकांत कुलकर्णी जैसे कई दिग्गजों ने वर्षों से इसका सपना देखा था।